मैं उत्तराखंड से ही हूँ, पर मुझे लगता है इस बार मोदी आएगा, क्योंकि इस बार मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जीतेगा, मोदी जी की सरकार बनेगी इस बार। मोदी बोलने की अकल तो है नहीं साले को, एकदम बिल्कुल है ही पप्पू, बिल्कुल बेकार। उनने योजना कैसे बनाई पप्पू वाली, आलू से सोना पैदा करेगा। हम तो मेहनत करके कमाने वाले बंदे, हमें सोना आलू से सोना नहीं पैदा। नहीं नहीं नहीं, हम मेहनत करके कमाएंगे इस बार। मोदी हर घर मोदी है, मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी। आप कहाँ से हो? हरिद्वार से। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी, मोदी जी क्यों? और कोई ढंग का आदमी भी तो नहीं है? एक वो सन ऑफ इटालियन लेडी है, उसकी दादी प्रधानमंत्री रही, बाप भी प्रधानमंत्री रहा। उसे बोलने की अकल तो है नहीं साले को, उसे ये भी नहीं पता है कि बड़े से कैसे बोला जाता है, बदतमीजी से बात करता है वो मोदी से या अटल से। आज क्या 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 बोला उसने? कल बोला है वो लात मार के निकाल दिया। हाँ, उसे बोलने की अकल नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनेगा किस काम के वजह है वो? है किसी काम लायक है? हाँ, झाड़ू पोछे के। आप अपने यहाँ रखेंगे उसको झाड़ू पोछे पे? हम तो नहीं रखेंगे उसको, उसको तो सड़क के लिए है। सही, सड़क पे झाड़ू लगाने हाँ, के लिए, नाली साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए। वो आँख बड़ी मारता है, उसके बारे में क्या कहोगे? आँख बड़ी मारता है, आँख भी मारता है। राहुल गांधी जी मारते हैं आँख, आँख मारते हैं तो उसका तो इलाज उनके है, हो सके प्रॉब्लम हो आँखों में। हाँ, हो सकता है वो देख के आँख मारते हैं। कहाँ से आया हो, कहाँ रहते हो? हरिद्वार, यहीं लोकल। लोकल में हो, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? कह नहीं सकते जी, कह नहीं सकते, कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, दिख तो रहा है, दोनों बराबर है इस समय यहाँ पे। तो दूसरा कौन है बराबरी में? दूसरा तो कांग्रेस ही लग रही है, बल्कि कांग्रेस ऊपर ही है यहाँ तो। हरिद्वार कांग्रेस ऊपर है तो हरीश रावत यहाँ लड़ने की बजाय भाग क्यों गए? ये तो हमें पता नहीं है। अगर जीत पक्की थी तो हरीश जी को यहाँ से लड़ना चाहिए था, वो तो यहाँ के। ये तो हमें आपसे पता लग रहा है, बाकी उस समय हम यहाँ नहीं थे, हम सहारनपुर थे, आज ही आए। पूछ रहे हैं भैया कि आप कह रहे हो कांग्रेस जीत रही है, वहाँ 10,000 लोग करीब थे, कुर्सियाँ खाली थी। इस समय तो जो है जगह जगह चर्चा ही हो रही है, अभी कांग्रेस ही आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी लग रहा है आपको? राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो कह नहीं सकते, वो कुछ नहीं कह सकते, योग्यता नहीं है। वो तो कह नहीं सकते भाई साहब, वो तो हंसी आ रही है। 49 साल के युवा पर आपको विश्वास नहीं है? यानी आप मजा ले रहे हैं राहुल गांधी का? क्या नाम है? संदीप सिंह। संदीप, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में, कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से ही हूँ। अच्छा। पर मुझे लगता है इस बार मोदी आएगा, क्योंकि इस बार मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और जगह जगह विकास भी किया है। लगता है मोदी है इस बार। विकास हुआ है हर जगह, विकास हुआ उत्तराखंड में। हम जिस उत्तराखंड मुड़े जिले से हैं, पूरा इलाका में विकास ही विकास हुआ है, हर जगह रोड बिछाई हैं। कौन से इलाके से? हमें अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा? पहाड़ से, पहाड़ से। पहाड़ तो बहुत बड़ा है। हाँ, वहाँ बहुत विकास हुआ है, मतलब मोदी ने बहुत विकास कर रखा है। मोदी ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया है इस बार। पहाड़ वाले परेशान है? कौन कह रहा है पहाड़ है तो खाली फेंको है, सब फेंकते हैं, जरूरी थोड़े पहाड़ विकास, विकास है तो कह रहे विकास है, हम थोड़े कह रहे हैं हम वोट देते हैं। और क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हो? यही उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कौन जिले से हो? टिहरी। टिहरी से। टिहरी से क्या लग रहा है, महारानी जीतेगी? जीत सकती है। सकती है या जीतेगी? जीतेगी, फाइनल। फाइनल ना? मोदी जी की सरकार बनेगी। आप कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से है, क्या क्यों रहेगी मोदी जी की सरकार? क्योंकि उनका विकास अच्छा रहा, अच्छा काम किया उन्होंने, और अच्छा डिसीजन है उनका। अच्छा डिसीजन है, पर उसी डिसीजन पे एक लड़का है 49 साल का। वैसे तो 49 साल में तो आदमी बुड्ढा हो जाता है, पर वो अपने आप को जवान बताता है। नहीं नहीं, उसके बस की नहीं है, उसकी नहीं, उसके बस की नहीं है सरकार। बैल बिहावागा नहीं तो क्या वो बुड्ढा नहीं होगा क्या? तो बुड्ढा हो गया मानते हैं आप? आप बताओ ना, अगर हम तो मान रहे हैं, वो खुद ही कह रहा मैं युवा हूँ, हम क्या करेंगे? अगर कोई अपने आप को युवा बता के, युवा युवा वो तो दिखाई देता है ना, बुढ़ा बुढ़ा दिखाई दे, युवा युवा दिखाई दे। बैल एक बात हो, बैल ब्याहता थी ना, तो बुढ़ा तो होगा, वो पक्का होगा। अरे तो भैया ये तो बुढ़े, अब की बार इनकी सबकी राजनीति खत्म कर दी मोदी ने, अब ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये जो क्षेत्रीय पल जो ये बन रहे थे दल, ये सब खत्म हो जाएंगे इस इलेक्शन। अरे बुआ बबुआ ललुआ बबुआ सब खत्म, सब साफ जाएंगे, ये सब जाएंगे। हाँ सब, और कोई नहीं आऊंगा, एक तरफा बिल्कुल। हाँ, आपकी बार मोदी सरकार रहेगी, पक्का है। आप कहाँ से हो? आप देख रही हो बड़ी देर से। कौन जीतेगा?
मोदी जीतेगा, मोदी हम जम्मू से हैं, मोदी जी जीतेंगे, मोदी हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप कहाँ से हो? यूपी। यूपी कौन जिला आ गया जाओ रिक्शा? बुलंदशहर जिला। बुलंदशहर कौन जीतेगा वहाँ से? पता नहीं, पता नहीं। आपका वोट कहाँ जाएगा? हम तो हैं यूपी, मोदी जीतेंगे इस बार, बीजेपी आएगी यहाँ पर। बीजेपी आएगी, तो वो 49 साल के युवा का क्या होगा? अब 29 साल का वो देखेंगे ना, मुझे मोदी जी आएंगे, शादी नहीं कर पाएगा वो। मैं राजस्थान से हूँ। गठबंधन आएगी, कितनी सीट आएगी? बीजेपी नहीं आ रही, गठबंधन होगा। वो तो खुद ही 80 सीटों पर लड़ रहे यार, उनसे क्या होगा? अरे नहीं, बीजेपी आएगी 100%। पीएम मोदी दोबारा पीएम बनेगा, दोबारा पीएम 100% बनेगा। अरे मोदी जी 101%, हाँ मोदी जी 101%, 101%। अरे देखने में लग रहा है कि मोदी ही आएंगे दोबारा, ये बताएं, क्योंकि वो पप्पू जैसी बातें करता है। एक चीज बताओ कि कह रहे 72,000 रुपये दे देंगे, 72,000 रुपये लाएगा कहाँ से? मतलब हम लोगों का ही पैसा तो रहेगा। वो कह रहा है, उसका गुरु कहता है सैम पित्रोदा, कि जो मिडिल क्लास है उस पर 10% टैक्स बढ़ा देंगे, वहाँ से लाएंगे, मतलब दूसरे की जेब काट के लाएंगे। तो ऐसा करें ना, जो सारा लूट ले, वैसे ही लूट डाल ले, वैसे ही लूट ले ना, तो फिर मोदी को वोट दो सारे लोग, और क्या है? ऐसा है कि उन्हीं के पास जाएगा, जितने भी नेता है वही 72,000 एनरोलमेंट करवा देंगे और 72,000 खुद ही रखेंगे, समझ रहे हो? इसीलिए तो स्कीम लाए हैं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, अगर 1,000 लोगों की भी एनरोलमेंट कराती है, खुद ही रख लेते हैं, वहाँ तक तो पहुँचती है नहीं, देखो कहीं किसी के बैंक खाते में नहीं पहुँचती, तो अपने पास रखेंगे, अपने फायदे के लिए स्कीम लेके आए। और क्या, और क्या, सकल से तो लगता ही लगता है वो, एकदम बिल्कुल है ही पप्पू, बिल्कुल बेकार। सही बात है, चल रही है यार, बढ़िया ही चल रहा है। ये सर वो पप्पू ही है। पप्पू क्यों है ये? पप्पू होता क्या? उनने योजना कैसे बनाई? पप्पू वाले आलू से सोना पैदा करेगा। हम तो मेहनत करके कमाने वाले बंदे हैं, हमें सोना आलू से सोना नहीं पैदा, नहीं नहीं नहीं, हम मेहनत करके कमाएंगे। 30 रुपए किलो आलू है, सोना चलता है 30 लाख रुपए किलो। कोई नहीं सर, हमें से मेहनत करके कमाएंगे। बढ़िया आदमी है, काम करने का जरूरत नहीं, 1 किलो आलू डालो 2 किलो सोना निकालो। वो 65 साल से वो जो किया उनने, वो हम खुश है 5 सालों में, हमें नहीं चाहिए। 5 साल में खुश हो? आप कहाँ से हो? पंजाब से जी। पंजाब में क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी वहाँ पे, कांग्रेस आएगी पक्का। वैसे कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी, अभी तक किए तो है नहीं। नहीं किए, वहाँ लोग खुश है, खुश है, वहाँ खुश है, मतलब कर्जे किसान मर रहे हैं उससे भी खुश है लोग। नहीं नहीं, वहाँ खुशहाल है, किसान खुश है। आप कहाँ से हो? अमृतसर से। अमृतसर से? अमृतसर से। आपको क्या लग रहा है? इनको तो लग रहा है कांग्रेस आ रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी भाई साहब, नहीं आ रही है। आप तो लग रहा है कांग्रेस की वर्दी पहन रखी है। हाँ जी भाई साहब, हम बिहार से हैं। बिहार से क्या लग रहा है? बिहार से वही मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई जी अभी तो मोदी के लग रहा है, लेकिन जो बीजेपी सरकार के नीचे स्तर के जो विधायक और नेता हैं, वो साले बहुत काम चोर हैं। भले ही अभी ऐसा, इसलिए कांग्रेस जो है इतना अपनी उसको इतने वो निकाल रही है घोषणा पत्र, वो थोड़ा चुनावी दांव खेल रही है, पर बीजेपी में मोदी अभी बहुत अच्छा नेता है, इसमें कोई मोदी की वजह से जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। क्या आपको क्या लग रहा है? मोदी इस बार आएगा पक्का है, पक्का पक्का मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी है। कहाँ से हो? हम इलाहाबाद से है। इलाहाबाद में मोदी, मोदी ही मोदी, इलाहाबाद और बनारस मोदी है। इलाहाबाद से? बनारस। बनारस से? हाँ, तो बनारस से तो मोदी जी पक्का, पक्का 100%। ये जो बुआ बबुआ पपुआ ललुआ ये सब गायब है मोदी के सामने, सब गायब, सब गायब है, गायब है। वजह क्या है इनकी? कुछ नहीं वजह, ये जातिवाद कर दिए हैं, फिर भी वो गायब रहेंगे। जातिवाद नहीं चलेगा? नहीं, जातिवाद नहीं चलेगा, धर्मवाद का तुष्टिकरण भी नहीं चलेगा। राहुल तो गायब है उधर से, पूर्वांचल क्षेत्र से गायब है, सब गायब। अपना सीट भी लोग कह रहे हैं नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे वो अमेठी से भी। बुरा हाल कर दिया है, पपुआ बबुआ सबको मार दिया, ऐसा काय कर रहे हो इतना बड़ा जुलम? हम मिर्जापुर से हैं। मोदी इस बार, मोदी ही मोदी, मोदी ही हर घर, मोदी ही मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या कहते हो? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। कहाँ से हो? कलकत्ता, कलकत्ता से। कलकत्ता से
वहाँ तो वो हिटलर दीदी है, उसका क्या होना है? वो जो होना है देखा जाएगा, फिर हारेगी दीदी, रिजल्ट में दिखा जाएगा। मोदी मोदी क्यों मोदी? मोदी सब काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, इसके अलावे कोई नहीं। और ये बुआ बबुआ ये पप्पुआ ये सब घुस गए, सब तेल लेने गए। मोदी जिंदाबाद। कहाँ से आए? हम यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहाँ किसी का नहीं चलना है। ती के अलावे किसी का नहीं चलेगा, कोई भी हो।